नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का साउथ साइड की खबरों में। बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी लिस्ट अब जारी कर दी। दूसरी लिस्ट में पार्टी ने 23 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। इसके साथ ही पार्टी अभी तक 224 में से 213 नामों का ऐलान कर चुकी है। गौर करने वाली बात यह है कि दिग्गज नेता ईश्वरप्पा और पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार की सीटों के लिए अभी तक किसी उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया गया। कर्नाटक में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी ने विधानसभा के कुल 224 सीटों में से कम 150 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की दो लिस्ट जारी कर चुकी है। कांग्रेस ने अपनी पहले लिस्ट में 124 प्रत्याशियों का ऐलान किया तो दूसरी लिस्ट में 42 प्रत्याशियों के नाम थे। कांग्रेस अब तक कर्नाटक में 166 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 13 अप्रैल से शुरू होकर 20 अप्रैल तक चलेगी। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। राज्य के चुनाव और टिकट वितरण पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और कर्नाटक बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह ने कर्नाटक में फिर से डबल इंजन की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक का विकास तभी संभव है जब केंद्र और राज्य में भी बीजेपी की सरकार हो। या क्या कुछ कहा है अरुण सिंह ने, वो भी आप सुनिए। पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान करते हुए 60 से अधिक, मोर देन 60 फ्रेश चेहरों को दिया है। नए जनरेशन के लोगों को पार्टी ने टिकट दिया है। यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। सभी कार्यकर्ता इससे खुश हैं और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि इस बार फिर से डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, और यहाँ पे येदियुरप्पा जी ने काम किया वह, और बुमई जी के जो काम किया उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और हम सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट नहीं आ रही है क्योंकि आपस में उनमें काफ़ी डिफरेंसेज है, काफ़ी फूट है, तीन ग्रुप है और घमासान कांग्रेस के अंदर है और बीजेपी इज यूनाइटेड पार्टी एंड वी आर कॉन्फिडेंट दैट विल कम विद अ फुल मेजॉरिटी, विद थंपिंग मेजॉरिटी इन द कर्नाटका टू इंश्योर द डबल इंजन गवर्नमेंट, जहां एक तरफ एजुकेटेड लोगों को काफ़ी स्थान मिला है, वहीं पे जैसे मैंने कहा फ्रेश लोग और कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ी संख्या में मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। इसलिए कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया उससे खुश है, प्रसन्न है। वहीं कर्नाटक में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है जो इस बार पूरे चुनाव लड़ने की कवायद में है। कर्नाटक बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह ने कांग्रेस में मचे घमासान पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की अब कोई तीसरी सूची नहीं आने वाली है। सुनिए आप। देखिए, आप यह मान के चलिए कि कांग्रेस में बहुत बड़ी बगावत है और तीसरी लिस्ट जो आने आएगी उसके बाद कांग्रेस में भगदड़ हो जाएगी। हमारी पार्टी में सभी लोगों को हम लोग समझा लेंगे। सभी जो है उनका योगदान पार्टी में लंबे समय रहा है, इसलिए हम समझा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग एक मत से होकर के काम करेंगे। ठीक है, स्वाभाविक रूप से जिसको टिकट नहीं मिलता उसकी योग्यता होती है, लेकिन क्या है कि मन में कष्ट होता है, लेकिन सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विचारधारा हमारी जो है उसके लिए काम करते हैं। समाज सेवा, राष्ट्र सेवा ही सर्वोपरि है, कर्नाटक की जनता का सेवा ही सर्वोपरि है, यही लक्ष्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। इसलिए हमको समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हम सबको समझा लेंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कर्नाटक बीजेपी में भगदड़ मचने की बात कही। गौरव वल्लभ ने कहा है कि कर्नाटक में पूर्व सीएम, पूर्व उप मुख्यमंत्री और कई पूर्व मंत्री बीजेपी पार्टी छोड़ रहे हैं। सबका कहना है कि वो तो चुनाव लड़ना चाह रहे थे लेकिन जबरन उन्हें चुनावी राजनीति से दूर किया जा रहा है। और क्या कुछ कहा गौरव वल्लभ ने, सुनिए आप। येदियुरप्पा जी के दिल पे हाथ रख के पूछिए, वो भी नहीं चाहते कि भाजपा जीते इस समय, वो भी नहीं चाहते इस बार भारतीय जनता पार्टी जीते। आप अकेले में जाकर उनसे मिलिएगा
और पूछिएगा कि क्या आप चाहते हो कि भाजपा जीते। उप मुख्यमंत्री भाजपा छोड़ रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा छोड़ने की खबरें आ रही है, पूर्व मंत्री भाजपा छोड़ने की खबरें आ रही है, ऐसी भगदड़ मची है। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, मैं बहुत जिम्मेदारी से एक वाक्य बोल रहा हूँ, हो सकता है कि पर्चे भरने की तारीख जो जो नज़दीक आए, जब तक जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो भी ईश्वरप्पा की तरह चिट्ठी लिख दे कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। और कई लोगों से चिट्ठी बंदूक की गन पॉइंट पे लिखवाई जा रही है, कई लोगों के काले करतूत इतने ज़्यादा है कि वो नहीं चुनाव लड़ पा रहे हैं, कई लोगों को टिकट नहीं दिया जा रहा क्योंकि वो जो मोदी और शाह की भाजपा उसको बिलोंग नहीं करते, कई ऐसा ऐसी भगदड़, ऐसे भारतीय जनता पार्टी की हालत मैंने कोई और राज्य में नहीं देखी, क्योंकि 5 साल में सिर्फ एक ही काम हुआ, 40-40 और 40% कमीशन खोरी का काम। वहीं 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के अवसर पर हैदराबाद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 150 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कर एक भव्य समारोह होगा, जिसको लेकर तेजी से काम किया जा रहा है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव हुसैन सागर झील के पास कल अंबेडकर की सबसे ऊंचे कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। वहीं बाबा साहेब के पौत्र प्रकाश अंबेडकर को अनावरण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। बीजेपी भारतीय संविधान के निर्माता को श्रद्धांजलि देने के लिए अनावरण के दौरान प्रतिमा पर विशेष हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। सीएम के सीआर के ने निर्देश दिया है कि सीएम के सीआर ने ऐतिहासिक समारोह के रूप में और पूरे जोश के साथ इसे मनाया जाए। अंबेडकर साहब एक महान इंसान थे, उन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले वही थे, और खासतौर से गरीबों के लिए, पिछड़े तबकात के लिए, दलितों के लिए उन्होंने कई दिन नाराज होकर बैठे रहे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, जब उनसे उनका डिमांड था कि जो पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। जब उसकी उनसे राय मशवरे के बाद तो तय पाया कि इन्हें रिजर्वेशन दिया जाएगा, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखे, उनका जो स्टैचू बनाया गया हिंदुस्तान में नंबर वन स्टैचू, आप जानते हैं, वहां जाकर देखेंगे तो हम बहुत खुशी होगी वहां पर, और बहुत अच्छा 125 ईयर्स के टाइम पे सीएम साहब ने ऐलान किया था कि 125 फिट का स्टैचू बनाएंगे, वो कम्प्लीट हुआ है, उसका 14 अप्रैल को उसका इनॉग्रेशन होगा, और डेफिनेट हमारी स्टेट जिस तरह उनकी रेस्पेक्ट दे रही है, और खासतौर हमारा जो सेक्रेटरिएट है उसका भी नाम हम जो है अंबेडकर भवन रखा गया है, हम सीएम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि दलितों के लिए लोग बड़े बड़े वायदे करते हैं मगर अमल नहीं करते, अगर कोई शख्स है अमल करने वाले, कोई लीडर है तो हमारे चीफ मिनिस्टर है। वहीं कोरोना वायरस से एक बार फिर लोगों को अब डर लगने लगा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए। देश में 24 घंटों में कोरोना के 10,158 मामले दर्ज किए गए, जो पिछले 7 महीनों में सबसे ज्यादा थे। ये आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए थे, जो कि अब डराने लगे हैं। संक्रमण दर लगातार बढ़ने लगी, लेकिन मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने के मामले बेहद कम हैं। इस बीच हैदराबाद में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। अस्पतालों में कोविड को ध्यान में रखते हुए हर तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिससे कि मरीजों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। अस्पतालों में कोरोना की जाँच भी तेजी से की जा रही है। वहीं टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी नेता सांसद कुमार स्वामी ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में कयास अब ये लगाए जा रहे हैं कि अनुसूचित जाति समुदाय के नेता जेडीएस में शामिल हो सकते हैं या निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं। वहीं बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने 25 अप्रैल को पीएम मोदी की कोची यात्रा पर चर्चा के लिए बीजेपी केरल राज्य नेतृत्व बैठक का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कई नेता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। राज्य प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने बीजेपी राज्य समिति के सदस्यों से कहा है कि वे निकट भविष्य में केरल की राजनीति में नाटकीय बदलाव के लिए तैयार रहें। बैठक को संबोधित करते हुए जावड़ेकर ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने नेताओं से आग्रह किया कि वे अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को अपने घरों में आमंत्रित करें। नेताओं को याद दिलाते हुए जावड़ेकर ने कहा है कि बीजेपी एकता और समानता में विश्वास करती है। जावड़ेकर ने पार्टी नेताओं से पीएम मोदी के राष्ट्रीय एकीकरण के सपने को साकार करने के लिए प्रयास करने की अपील की।
वहीं आंध्र प्रदेश में एक अजीबोगरीब घटना में सीएम वाई एस जगनमोहन रेड्डी का पोस्टर फाड़ने के आरोप में कुत्ते के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस से कुत्ते और सीएम के अपमान में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग की गई। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में कुत्ता एक घर की दीवार पर लगा सीएम का पोस्टर फाड़ता हुआ दिखाई दिया। महिलाओं के एक समूह ने विजयवाड़ा में कुत्ते के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। यह शिकायत दसारी उदयश्री नाम की महिला ने दर्ज कराई है, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी की कार्यकर्ता। उन्होंने कुछ अन्य महिलाओं के साथ मिलकर कुत्ते और सीएम के अपमान के पीछे जो लोग हैं उन पर कार्रवाई की मांग की। वही बात अब हैदराबाद की करते हैं, जहां पर टीपीसीसी के अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि ग्रेटर हैदराबाद में पिछले 60 सालों में ऐसी तबाही नहीं हुई जैसी तबाही बीआरएस के शासन में हुई है। उन्होंने गांधी भवन में कहा कि निजाम में इतना विनाश नहीं किया जितना केसीआर के परिवार की खातिर तेलंगाना को लूटा गया। केसीआर के परिवार की खातिर हैदराबाद शहर की बलि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर के सबसे महंगे क्षेत्र जुबली हिल्स की प्रकृति के संदर्भ में विशेष नियम है, जहाँ घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के निर्माण के लिए केवल 5 मंजिलों की अनुमति है, लेकिन बीआरएस के शासन में KS&CS डेवलपर नामक कंपनी को 16 फ्लोर बनाने की अनुमति दी गई। वहीं केबीआर पार्क के पास केवल 5,800 गज के निर्माण की अनुमति है। रेवंत रेड्डी ने चेतावनी दी है कि D9 गिरोह राज्य को लूटा जा रहा है। वहीं बात अब हैदराबाद की करते हैं, जहां पर तेलंगाना के गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अली ने हैदराबाद वार्षिक साइबर सुरक्षा ज्ञान शिखर सम्मेलन 2023 के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने डिजिटल दुनिया भर में साइबर सुरक्षा के महत्व को जोर दिया, साथ ही साइबर अपराध से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन और सरकार के सक्रिय प्रयासों की प्रशंसा की। इस सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद शहर सुरक्षा परिषद और हैदराबाद सिटी पुलिस ने किया। इंडिया में तेलंगाना पुलिस नंबर 1 पुलिस की तरह काम कर रही है, क्योंकि हमारे सीएम साहब का विजन वही है। सीएम साहब चाहते हैं कि तमाम आवाम को सिक्योरिटी एंड फराम करने में पुलिस नंबर 1 तरीके से काम करे, क्योंकि जहां जितना अच्छा लोग सेफ रहते हैं, जितने अच्छा लैंडर अच्छा होता है, वहां इन्वेस्टमेंट उतना अच्छा होता है। तो आज हमारी स्टेट में काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और हमारी पुलिस भी और भी बेहतरी पैदा करने के लिए हमारा जो पुलिस कमांड एंड कंट्रोल बना है, आप जाके देखिए कहां था हमारे कमिश्नर ऑफिस जो है 500 गज के ऊपर था, इतना था, आज तकरीबन 6-7 एकड़ के ऊपर कमांड एंड कंट्रोल 585 करोड़ से बनाया गया और उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है वो फॉरेन टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है, क्योंकि ये टाइम आने वाला टाइम वो ऐसा नहीं है खूफल तोड़ना ये तोड़ना चोरी करने का टाइम चलेगा, साइबर क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हैदराबाद में साइबर क्राइम करने वाले लोग कम है अदर स्टेट से, हम किसी स्टेट का नाम लेना चाहते हैं, बहुत से अदर स्टेट के लोग साइबर क्राइम में इन्वॉल्व है, लोगों को धोखाधड़ी कर रहे हैं और हमारी पुलिस जा जाकर पकड़ कर ला रही है, उनके अकाउंट सीज करे और आगे भी इसी तरह इसके अंदर जो भी टेक्नोलॉजी होगी यूज करेंगे और जहां तक हो सके क्राइम को कंट्रोल किया जाए। अगली खबर है तमिलनाडु के कोल्लाकुरिची से, जहां पर कोल्लाकुरिची के जिलाधिकारी श्रवण के जाटावत को चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। दरअसल 18 अप्रैल से शुरू होने वाले मंदिर उत्सव से पहले उलुंदपेट कुआगम में मंदिर में व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर श्रवण के जाटवंद ने मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने जूते उतार दिए और अपने निजी सहायक डफाडोर को अपने वाहन तक ले जाने के लिए कहा। इसके बाद विवाद छिड़ गया। वीडियो सामने आने के बाद जिलाधिकारी के व्यवहार को लेकर सवाल अब उठने लगे। तो चलिए बात अब आंध्र प्रदेश के अमरावती से करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू को चुनौती देते हुए कहा है कि क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि वे राज्य के हर घर में जाकर लोगों को अपने कार्य को बताएं। साथ ही कहा है कि जनता अच्छी तरह जानती है मौजूदा सरकार को टीडीपी शासन में लोगों के साथ क्या हुआ। इस मौके पर सीएम वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने 4.39 लाख गरीब महिलाओं को 658.60 करोड़ रुपए दिए। उन्होंने प्रकाशम जिले के मरगापुरम में बटन दबाकर राशि सीधे उनके खाते में भेजी। 2 साल में ईबीसी नेस्टम के माध्यम से महिलाओं के खाते में 1,258 करोड़ रुपए जमा किए गए। बात अब आंध्र प्रदेश की तिरुपति की करेंगे, जहां पर आंध्र प्रदेश के ऊर्जा मंत्री वेदिरेड्डी रामचंद्र रेड्डी ने तिरुपति शहर में विद्युत सुरक्षा कार्यशाला का उद्घाटन किया।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास के लिए बिजली क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य में बिजली विभाग एक प्रमुख भूमिका निभाता है। हाल ही में संपन्न ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यह एक बार फिर साबित हुआ है। आर्थिक विकास के लिए बिजली क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में संपन्न ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान 13 लाख करोड़ के निवेश के 340 प्रस्तावों में से 9 लाख करोड़ अकेले बिजली क्षेत्र में आए हैं। उन्होंने कहा कि एक स्थिति ऐसी भी आई है कि जंगल के जानवर भी बिजली के तार खींच रहे थे, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वहीं इस मौके पर बिजली विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। वहीं बात अब चेन्नई की करते हैं, जहां पर अन्ना द्रुमक विधायकों ने तमिलनाडु विधानसभा के बाहर स्टालिन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विपक्ष के नेता एड़ापादी ने विरोधी दल के तमाम विधायकों के साथ प्रदर्शन किया। AIADMK ने आरोप लगाया कि चुनाव में DMK ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में सभी महिला मुखियाओं को प्रतिमा 1000 रुपये दिए जाने का वादा किया था, लेकिन अब वे कह रहे हैं कि केवल योग्य महिला प्रधानों को प्रतिमा 1000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं AIADMK जानना चाहती है कि पात्रता किस आधार पर तय की जा रही है। वहीं विशाखापट्टनम की अब बात करें, जहां पर 2005 बैच के IPS अधिकारी त्रिविक्रम वर्मा ने विशाखापट्टनम के नए पुलिस आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला है। कार्यभार संभालते हुए उन्होंने कहा है कि विशाखापट्टनम को नशा मुक्त शहर बनाना, महिलाओं को सुरक्षा देना और यातायात की समस्याओं को हल करना प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा कि वो शहर में उपद्रवी लोगों पर कड़ी नजर रखेंगे, जिससे उन्हें किसी भी असामाजिक गतिविधियों को करने से रोका जा सके। साथ ही सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी। DCP और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने नए आयुक्त को बधाई दी है। वहीं केरल में कोरोना संक्रमित की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सूबे की सरकार ने कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। अस्पताल में लगातार मॉक ड्रिल की जा रही है। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पताल में वार्ड, ऑक्सीजन और दवाइयों का भी जायजा लिया जा रहा है। वहीं केरल के कन्नूर में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। कन्नूर में बीते कुछ दिनों से खुलेआम हाथियों का झुंड घूम रहा है। हाथियों के इस झुंड ने अब तक कई लोगों पर हमला कर दिया। ताजा मामला कन्नूर के चिरुपुझा का है, जहां पर हाथियों के झुंड ने एक युवक पर हमला कर दिया, जिसके चलते युवक बुरी तरह से घायल हो गया। बाद में इलाज के दौरान युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद इलाके में रहने वाले लोग अब सहमे हुए हैं। वहीं कैलाशगिरी पहाड़ी पर जंगल में भी आग लग गई। देखते ही देखते आग श्री कालहस्ती मंदिर तक फैल गई। मंदिर के अधिकारियों ने बताया कि पहाड़ियों में आग बेतरतीब ढंग से सुलग रही है और रात होते होते इसने विकराल रूप धारण कर लिया। देवस्थानम के अध्यक्ष अंजुरू ने कहा है कि हम इस मुद्दे को विधायक के ध्यान में लाएंगे और उसमें समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये पता लगाना होगा कि घटना के पीछे का कारण क्या है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं कर्नाटक के उडुपी जिले के एक हेलीपैड पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल जहां पर प्रदेश के CM बसवराज बोम्मई कुल्लूर मंदिर के दर्शन के लिए रास्ते में पहुंचे थे, CM के काफिले के हेलीपैड से मंदिर तक जाने के बाद हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ के दौरान अरेशिरूर हेलीपैड के पास आग लग गई। सूत्रों ने कहा कि माना जा रहा है कि हेलीकॉप्टर के पंखे से आग लगी थी। इससे पहले कोई बड़ा नुकसान होता, मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने मशक्कत से हालात पर काबू पा लिया और आग को बुझा दिया। CM बोम्मई अपनी पत्नी के साथ कुल्लूर मंदिर की अपनी यात्रा के साथ जारी रहे और पूजा की। वहीं कर्नाटक में BJP ने विधानसभा चुनाव के लिए 212 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें कई नेताओं के टिकट कट गए, जिस वजह से उन नेताओं ने बागी रुख अख्तियार कर लिया। कई नेता तो BJP से इस्तीफा भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में मुदिगेरे से BJP विधायक MP कुमार स्वामी और हावेरी विधायक नेहरू ओलेकर ने टिकट नहीं मिलने के बाद पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की घोषणा की। ओलेकर ने कहा कि उन्होंने और उनके समर्थकों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला किया है। मेरे साथ करीब 1000 समर्थक इस्तीफा दे रहे हैं, हम इस्तीफे को जिलाध्यक्ष को भेजेंगे। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें JDS समेत कई दलों से लगातार फोन आ रहे हैं, मैं अपने समर्थकों और मतदाताओं से बात करने के बाद फैसला करूँगा।
चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, नमस्कार।